click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी वर्तमान बॉलीवुड परिदृश्य में काफी ताजा है। अब एक सामाजिक मुद्दा लेते हैं जो कि हर जगह मौजूद है, लेकिन शायद ही कभी इस पर चर्चा की गई हो। एक निर्देशक के साथ कहानी जोड़ते हैं जिनमें एक नया दृष्टिकोण हो, और एक ए लिस्ट एक्टर के साथ एक नई अभिनेत्री को करते हैं कास्ट। प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को तो स्पष्ट रूप से अन्य हालिया प्रोडक्शन से उठाया गया है, लेकिन एंड प्रोडक्ट रीपैकेज नहीं लगता और दर्शकों को इस ताजगी से प्यार हो गया है, जैसा कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से सामने आ ही रहा है। इसके पहले सोमवार यानी कि चौथे दिन, एक ऐसा दिन जो नई फिल्मों को बना या बिगाड़ सकता है, टॉयलेट एक प्रेम कथा को वर्तमान एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी फिगर्स मिले, और इन्हीं के साथ ये फिल्म 13 करोड़ से भी अधिक इकट्ठा करने में सफल रही। ये वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि इस फिल्म के रविवार और सोमवार के आंकड़ों के बीच अंतर कितना छोटा है, और यह निश्चित तौर पर आने वाले हफ्तों में श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लगातार बढ़िया चलने का संकेत है। लेकिन हमारी छोड़िए, अब हमें आपसे जानने की जरूरत है दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी? दिलचस्प और जीवंत या कुछ और? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान।